मैं तुम्हें आज मार्वल स्पाइडरमैन 2 की ए टू जेड इन्फो देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर गेम की हाइप बहुत बढ़ जाएगी। बट ये फ्री में मिलेगा नहीं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो गाइस, लेट्स डाइव इन द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं गेम की इंट्रो से। तो यार, मार्वल स्पाइडरमैन 2 एक एक्शन एडवेंचर गेम है, जिसे डेवलप कर रही है इंसोमनिया गेम्स एंड पब्लिश करेगी सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट। एंड ये प्ले स्टेशन की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम में से एक है, जो की आएगी 20th of October 2023 को एंड ओनली फॉर प्ले स्टेशन 5, नॉट इवन फॉर PS4, विच इज अ सैड थिंग, बट मे बी एक दो साल के बाद PC पे आ जाए। एंड गेम प्रीलोड होना स्टार्ट हो जाएगी 13th ऑफ अक्टूबर 2023 को ओनली फॉर प्री ऑर्डर गाइस। तो इसी बात पे प्लेस्टेशन की मां का भोलापन देख के आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड सेटिंग्स पे, जहां गेम की मैप एक्सटेंड हो चुकी है कंपेयर टू द लास्ट गेम, जिसमें हमें अबुइंस एंड ब्रुकलिन देखने को मिलेंगे मैनहट्टन के अलावा। एंड मेनी प्लेसेस पे हमें विंड टनल्स और स्लिंगशॉट देखेंगे, जिसे यूज करके हम ग्लाइड कर सकते हैं या फिर एक अच्छी हाइट गेन कर सकते हैं फॉर बेटर स्विंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलन्स। तो यार देखो, गेम में बहुत से विलन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रेवन द हंटर। यार इसकी बैक स्टोरी बहुत सिंपल है, ये बंदा बोर हो चुका था एनिमल्स एंड वाइल्ड बीस्ट्स को हंट करते करते, एंड इसे कुछ ऐसा टारगेट चाहिए था जो इसे एक वर्दी लगे। एंड फिर इसे पता चलता है स्पाइडरमैन एंड कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में, तब ये आता है न्यूयॉर्क टू कैप्चर हिज टारगेट्स। अब आते हैं दूसरे विलन पे, जो की है लिजर्ड। देखो, इसकी कोई बड़ी डिटेल्स नहीं मिली है इंसोमनिया की तरफ से, बट डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड ये जरूर किसी टेक पे वर्क कर रहा होगा एंड क्रेवन को ये चीज चाहिए होगी, तभी उसने उसके लैब पे हमला किया। एंड फिर गेम प्ले में हमें दिखता है लिजर्ड भी हमारे आगे उन क्रेवन के गुंडों के पीछे जाते हुए, जो कि एक चीज का हिंट देती है लिजार्ड की मेन स्टोरी में कुछ एक ही रोल होने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट नोन विलन, जो कि हमें गेम में दिखेगा, वो है वेनम, जिसकी आइडेंटिटी बताई नहीं गई है अभी तक, बट ये चीज इंसोमनिया टीज करते आ रही थी अपने प्रीवियस दो गेम्स में, जिसमें हैरी ऑसबॉर्न हमें ब्लैक सिम्बियोट में लिपटे हुए दिखता है। पर फिर भी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली इंसोमनिया की तरफ से, बट बहुत जल्द कॉमिक कॉन होने वाला है, जहां पे स्पेशली वेनम के ऊपर बहुत से चीजों को डिस्क्लोज किया जाएगा। तो अगर ये मिस नहीं करना चाहते हो, देन प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन और प्ले स्टेशन को बेटी चोड़ बोल के आगे बढ़ते हैं डुअल प्रोटैगनिस्ट्स पे। तो यार, पहले जिन लोगों को लग रहा था ये गेम कोऑप होने वाली है, तुम एक स्पाइडरमैन पीटर वाला रहोगे एंड तुम्हारा दोस्त माइल्स मोरेल्स रहेगा, दोनों ही अपने घर पे दो स्पाइडरमैन बन के खेलोगे इस गेम को, तो उनके लिए वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। तो इस गेम में हमें कैरेक्टर स्विच फीचर मिलेगा जो स्टोरी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बट कभी ना कभी हमें उस स्टोरी में भी एट सम पॉइंट दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा फॉर सम स्पेसिफिक मिशन। और जब हम लोग स्टोरी के बाहर होंगे, फ्रीली रोम कर रहे होंगे सिटी में, तब आपकी मर्जी आप किसी भी कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं। एंड अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दो कैरेक्टर स्विच का, तो वो होगा GTA 5। अब यार देखो, ये गेम लेवल अप रहेगी अपने प्रीवियस गेम से, तो हमें कैरेक्टर्स की पावर भी लेवल अप दिखती है। जहां माइल्स अपने लास्ट गेम में न्यू फॉर्म रिएक्टर के एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, तो उसके कारण उसमें हमें ब्लू वेनम बायो इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। अब प्लीज कंफ्यूज नहीं करना, ये वेनम टेक अलग है वेनम सिम्बियोट से। एंड माइल्स अपने इन न्यू पावर्स के साथ बहुत पावरफुल हो जाता है, जो अगेन बताता है गेम की डिफिकल्टी भी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। नाउ अब आते हैं ब्लैक स्पाइडरमैन पे, जो थोड़ा सा क्रैक हो चुका है वेनम के सिम्बियोट के कारण एंड उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ चुके हैं, जिसके कारण वो अब अपने एनिमीज को ब्रूटल तरीके से मारता है। एंड सबसे मजे की बात है, हमें खुद ब्लैक स्पाइडरमैन एज अ मेन विलन दिखेगा गेम में, जहां हम होगा माइल्स मोरेल्स जो फाइट करेगा ब्लैक स्पाइडरमैन से, ताकि वो वेनम सिम्बियोट को हटा सके पीटर के बॉडी से। एंड माइल्स फिगर आउट कर लेगा सिम्बियोट के वीक पॉइंट्स, जो कि हैं लाउड नॉइज एंड फायर, एंड ये चीज माइल्स को काफी हेल्प करेगी ब्लैक स्पाइडरमैन से फाइट करने में। तो भाई लोग, प्लेस्टेशन की मां की चूड़ियां दे के बढ़ते हैं गेम फीचर्स पे। देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी बहुत से फीचर्स बताया था अपने इस वीडियो में, बट फिर भी कुछ चीजों पे फिर से रिविजिट कर लेते हैं। लाइक न्यू कॉम्बैट सिस्टम, जिसमें अब हम लोग डॉज के अलावा पैडी कर सकते हैं, जो बताता है गेम में अब हमारे एनिमीज लाइट अटैक्स के अलावा हैवी अटैक्स भी यूज करेंगे। फिर है एबिलिटीज व्हील, जिसे यूज करके हम बहुत पावरफुल अटैक्स कर सकते हैं अपने एनिमीज के अगेंस्ट, बट ये चीज रैपिड वे में नहीं कर सकते, क्योंकि उन एबिलिटीज को रिचार्ज होना पड़ता है आफ्टर 1 यूज। फिर है कॉमन स्किल ट्री, जो दोनों ही स्पाइडरमैन पे वर्क करेंगी, जैसे कि ग्लाइड। यार देखो, अगर तुम्हें और फीचर्स जानने हैं, तब सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे ही डाल दूंगा। तो भाइयों, प्लेस्टेशन के बाप को लंदन पहुंचा के पढ़ते हैं स्टोरी पे। तो भाइयों, गेम की मेन स्टोरी तो गेम आने के बाद ही पता चली है, बट हम एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या हो सकता है, जो मैंने बहुत रिसर्च करके ये चीजें तैयार की है। होगा क्या, हैरी ऑसबॉर्न जो हमें ब्लैक सिम्बियोट में दिखा था, पीटर जरूर उसकी हेल्प करने गया होगा, बिकॉज हैरी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, एंड तभी सब वेनम सिम्बियोट उसके बॉडी से अटैच हो गया होगा
एंड आंट मे के डेथ के बाद उसका दिल भी काफी सख्त हो गया है, तो सिम्बियोट उसको इजिली टेक ओवर कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्रेवन जो अपने लाइफ में कुछ न्यू एंड चैलेंजिंग करना चाहता था, वो न्यूयॉर्क गया एंड उसने स्पाइडरमैन को अपने न्यू टारगेट बनाया। बट जब फर्स्ट इंकाउंटर हुआ दोनों के बीच में, तब क्रेवन हार चुका होगा क्योंकि स्पाइडरमैन के पास थी सिम्बियोट। अब इसके बाद अपने पीटर और भी पागल हो चुका होगा एंड ये देखा नहीं जाएगा माइल्स से। तब दोनों के बीच में फाइट होगी जहां माइल्स समहाउ बीट करेगा ब्लैक स्पाइडरमैन को। बट ये सब होने के बाद क्रेवन को समहाउ सिम्बियोट मिल सकता है एंड वो हमें दिखेगा एज अ वेनम इन द गेम। देखो गाइस, ये थोड़ी बहुत चीजों को जोड़कर बनाई गई है जो मे भी एकदम अलग गेम के मेन स्टोरी से। अब गाइस आते हैं, क्या ये गेम बाय करना चाहिए? तो इसका आंसर है, अगर तुम्हारे पास PS5 है देन तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी एंड यू कैन इजिली अफोर्ड दिस गेम। बट मैं सजेस्ट करूंगा प्री ऑर्डर मत करना, क्योंकि 20 जुलाई की कॉमिक कॉन इवेंट में हमें कुछ स्पेशल एडिशन भी दिख सकते हैं गेम्स रिलेटेड। इसके अलावा PS4 वाले तो उम्मीद ही छोड़ दे कि गेम आएगी उनके लिए, एंड मेरे जैसे PC वालों के लिए अभी 2 साल टाइम है आने में, तब तक चिल करो और मेरी वीडियोस देखो। और Xbox यूजर्स को मेरी तरफ से डीपेस्ट कंडोलेंसेस। यार आई होप तुम्हें ये वीडियो के थ्रू बहुत इन्फो मिल चुकी होगी गेम के बारे में एंड अगर ऐसा हुआ है देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलना, वरना तुम्हारी माँ बहन की आरती नहीं करूंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।